ये माननीय आदित्यनाथ योगी से हमारी एक इट्ठो सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, या आप अलीगढ़ का हरिगढ़ कर रहे हो, अहमदाबाद का कर्णावती कर रहे हो, इलाहाबाद का प्रयागराज कर रहे हो, बस हमारा भी एक छोटा सा गांव है भोसड़ी, उनका थोड़े चेंज कर दो, बड़ी मेहरबानी होगी। अब जरूरत नहीं उनका नाम चेंज करो, हमारी तरफ भी देखो बड़ी तकलीफ होती है। अब आप कहते हो कि हम यूपी से हैं, हम एमपी से हैं, मुंबई से, साला हम कहते कि हम साला भोसड़ी से। एयरपोर्ट पे जाते हैं तो साला ठप्पा लगाने से पहले कहाँ जाओगे, हम कहते भोसड़ी में। आते वक्त साला कहते कहाँ से आ रहे हो, हम कहते भोसड़ी से। आप सब वहीं से आए बट हमें कहने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आप समझ रहे हैं ना। जरूरत नहीं हुआ तो चेंज करो, इका चेंज करो पहले, बहुत तकलीफ होती है साली। ये नाम कहाँ है भाई, भोसड़ी। बस स्टॉप से उतरते तो बस वाला कहता है भोसड़ी वालों उतर जाओ। राहुल गांधी जी से हमारी एक इट्ठू सी छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखो अभी ये कश्मीर फाइल्स बना लिए हैं, ये केरला फाइल्स बना लिए, केरला स्टोरी बना लिए हैं। हमारा भी एक छोटा सा गांव है भोसरी, उसके ऊपर भी भोसरी फाइल्स बनाई दो। ये बॉलीवुड वालन का कह के इसके ऊपर भी एक फिल्म बनाई दो, भोसरी फाइल्स। बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है, हम कह रहे हैं। अरे कैसे, नहीं नहीं, हिंदू मुसलमान का मैटर नहीं है वहाँ पे, हिंदू मुसलमान सब मिलके रहते हैं, तो नहीं चलेगी का, नहीं चलेगी, कैसे नहीं चलेगी। देखिए अभी आप लोग के ऊपर प्लेस ऑफ बर्थ लिखते हैं ना, प्लेस ऑफ बर्थ का लिखते हैं, हम मुंबई से हैं, हम हैदराबाद से हैं, हम कोल्हापुर से हैं, हम साला प्लेस ऑफ बर्थ लिखते हैं भोसरी। नहीं, सबका प्लेस ऑफ बर्थ हुआ ही है, सब हुआ से आया भोसरी से, बट वो लिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना। अभी एयरपोर्ट पे हम यूके लंदन में गए थे तो हमको कह रहा भाई कम फ्रॉम, हम कहते भोसरी, तो कब ये आंसू आपको दिख नहीं रहे का। बस में चढ़ते हैं तो कंडक्टर बोलता है कि कहाँ का काटे, हम कहते कि भोसरी का काटो, तो हमको उतार देते हैं कि भोसरी वाले उतर जाओ। लड़की देखने जाते हैं तो लड़की कोई नहीं देता, कहते कि भोसरी वाले से कौन शादी करेगा। अभी भोसरी वाले से क्या मतलब है तुम्हारा बे, इलेक्शन लड़ने कोई नहीं आवत है वहां पे, कहते कि हम भोसरी का नेता नहीं बनना चाहते, ऐसी कठिन परिस्थिति है, तो उनके ऊपर फाइल्स बना दो। देखो कश्मीर का लोग कितना फेमस हो गया, केरला का लोग कितना फेमस हो गया, भोसरी वाला का तो भी थोड़ा फेमस होने दो, है क्या नहीं। बस इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अब चल के आए थे, हमको पता है चल के आए थे, तो हम थोड़ा सा आगे थे, हम अब थोड़ा राइट लेके अंदर आ जाते तो हमारा भी गांव था भोसरी, अब देख के चले जाते तो सब साले भोसरी वाले जमा हो गए थे आपको देखने के लिए, आप आए नहीं। मॉल्डीव्स को तुम लोगों ने बॉयकॉट कर दिया है ना, कर दिया ना, उसके बदले अब हम लोग लक्षद्वीप जाएंगे है ना। मॉल्डीव से अच्छा है लक्षद्वीप, मानता हूं मैं लक्षद्वीप अच्छा है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि कल को अगर बैंकॉक या थाईलैंड, बैंकॉक थाईलैंड अगर कुछ ऐसी गलत हरकत कर दे तो क्या हम लोग उसका बॉयकॉट करेंगे करेंगे? अगर किया भी तो उसका अल्टरनेट, उसके बदले हम कहां जाएंगे लक्षद्वीप, उसके बदले हम कहां जाएंगे है ना। तभी तुम लोग बॉयकॉट नहीं करोगे, सब शाणे हो तुम लोग, कभी बराबर बोलो, सब हराम हो सालो। ये महाराष्ट्र सरकार से ना मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मुंबई के रेलवे स्टेशन के नाम चेंज कर ही रहे हो ना, ये आप संडास रोड का डोंगरी कर रहे हो और करी रोड का लालबाग कर रहे हो, उसी तरह हमारा भी एक स्टेशन है भोसरी, ये भोसरी स्टेशन का नाम चेंज कर दो, ये सब बाद में कर देना, ये पहले चेंज कर दो, ये क्या नाम है। एयरपोर्ट पे जाते हैं तो ठप्पा लगाने से पहले हमसे पूछ रहे कि कहां जा रहे हो, हम कहते हैं भोसरी में, आते वक्त पूछ रहे कि कहां से आ रहे हो, हम कहते हैं भोसरी से, सभी वहीं से आए, लेकिन कहने में थोड़ी तकलीफ होती है ना। प्लेस ऑफ बर्थ यू लंदन होता है, प्लेस ऑफ बर्थ मुंबई कोल्हापुर, हमारा प्लेस ऑफ बर्थ है भोसरी, सबका प्लेस ऑफ बर्थ वही है। लड़की हमें कोई नहीं दे रहा है, शादी नहीं, एक रिश्ता लेके हम चले गए लड़की के घर पे तो दरवाजे पे रोक दिया हमें, और वो लड़की अंदर आवाज दे रही, बोलते पापा कौन भोसरी वाले आए हैं लड़की देखने के लिए, अंदर से पापा आवाज दे रहा है कि उनसे कह दो कि भोसरी में जाओ वापस, हमें भोसरी वालों के साथ रिश्ता नहीं करना है। इलेक्शन में कोई खड़ा नहीं हो रहा है, कहते कि भोसरी का नेता किसे बनना है,
मेरा एक दोस्त है, उसने फॉर्म भरा इलेक्शन में खड़ा होने के लिए। वो जब गया तो उसको पूछा गया कि तुम नेता क्यों बनना चाहते हो, तो उसे कहना था कि देश की सेवा के लिए बनना चाहता हूं। उसने कह दिया कि भोसरी की सेवा के लिए, उसके मुंह से निकल गया वहीं से, तो वही सेवा करेगा ना, मार मार के बाहर निकाल दिया उसको। बस स्टॉप, बस में चढ़ते हैं तो बस रुकते तो बस वाले कहते हैं कि भोसरी वालों उतर जाओ। बचपन में माँ ने हजार दफा समझाया था कि कुएं में मेंढक को पत्थर मत मारो, पत्थर मत मारो, बीवी गूंगी मिलेगी गूंगी। हमने नहीं सुना, नहीं मारा मेंढक को पत्थर। अब देखो ऐसे क्या पता था, मैं पत्थर मार मार के मेंढक सुझा देता था, मेंढक सुझा देता, एक मेंढक नहीं छोड़ता था कुएं का, सुझा देता था, सुझा नहीं मार ही डालता था। अब कितनी तकलीफ में है हम लोग। गूंगी बीवी भी बोल उठती है, ऐसी होती है बीवियां। आ रही है वो, आ रही है, नहीं नहीं मैं आ रही है, बता, मैं आ रहा हूँ, आई थी, आ रहा हूँ। औरतों को है ना, औरतों को नजर बहुत जल्दी लगती है, औरतों को नजर, हाँ, मर्दों को नजर जल्दी नहीं लगती है, मर्दों को नजर नहीं लगती, पता है क्यों? क्योंकि मर्द जो है ना अपना नींबू और मिर्ची दोनों साथ लेके घूमता है, मर्द नींबू और मिर्ची दोनों साथ लेके घूमता है, तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। बचपन में माँ कहा करती थी बचपन में कि गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, बट मैंने नहीं की, नहीं की मैंने, क्योंकि बड़ा जब हुआ ना मैं बड़ा, तो पता चला कि सबसे बड़ा गरीब तो मैं ही हूँ, गरीब तो सबसे बड़ा मैं ही हूँ। ऑफर ऑफर चाहिए, हाँ ये लेगा ना तो इसके ऊपर ये फ्री है, फ्री ऑफर चाहिए, साला कष्ट करेगा तो जन्नत पे जाएगा, तो जहन्नम तैयार है साला। हर जगह एक ही वीडियो है, कोविशील्ड कोविशील्ड कोविशील्ड। अब एक वीडियो देख रहा था, काम वाली बर्तन धो रही है, काम वाली, हाँ उसने भी वीडियो बनाया, बोलते अगर आपने कोविशील्ड लिया है तो आप मरने वाले हो, आप मरने वाले हो। हाँ बोलते मैं बता दूं क्या होता है, कोविशील्ड लेने से ना आपके ब्लड में ना ऐसे गटले जमा हो जाएंगे, फिर ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, फिर हार्ट अटैक हो जाएगा, आप मरोगे। आप ऐसे मना रहे, शर्म करो यार, ऐसे अनाउंस कर रहे हो जैसे कोई 15-15 लाख तुम्हारे अकाउंट में आए हुए हैं। अरे तीन साल हो गए ना इस वैक्सीन को लिए हुए, 3 साल हो गए हैं, अब मरना होता तो तभी मर गए होते हैं। और अब अगर मरेंगे बाद में ये सब डरा रहे हो ना आप लोग, आप मरने वाले हो, पहले ही मर जाएंगे लोग, पहले ही मर जाएंगे, ये बातें बाद में ये सुन के ही लोग मैं मरने वाला, अरे मरना होता तो 3 साल में मर गए होते है? जिनको पता भी नहीं, क्लॉटिंग को गोटी बोल रही थी वो, क्लॉटिंग को गोटी हो जाती, बोलते गोटी। गोटी गोटी गोटी।